गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम खारू। ये लेह से 40 किलोमीटर पहले, कल अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी कल वाली, तो आपको मैंने बताया था कि हमने बहुत सारे डिसीजन लेके हमने खारू में स्टे करने का फैसला लिया था, क्योंकि यहाँ से पेट्रोल पंप पास है और यहाँ से मनाली का रास्ता सीधा सीधा जाता है। अगर हम मनाली अगर हम लेह जाते तो हमें 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा और 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा मतलब 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर करना पड़ता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल SJ Vlogs। तो ये एक्चुअली पूरी सीरीज चल रही है, अगर मैं आपको बता दूँ। ये बेसिकली एक लद्दाख की सीरीज़ है, जो कि ये 8th वीडियो आई गेस, एपिसोड 8। और आज हम कवर करने वाले हैं खारू टू सरचू, जो कि करीब 200-250 किलोमीटर के आसपास है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी सरचू का टेम्परेचर है -7 डिग्री। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड दिस वाज आवर रूम। ये पूरा मेसी है एज यूजुअल, क्योंकि अभी फिलहाल यू नो द अरे ऑटो ले टू शिमला। यार देखो, ये लोग ऑटो से जा रहे हैं ले से शिमला। बढ़िया बढ़िया, यहाँ देखते हैं पेट्रोल कहाँ मिलेगा। तो अभी यहाँ पे पेट्रोल लेना है हमें, एंड पेट्रोल का प्राइस है 78.11। यहाँ से मनाली वाले रास्ते में पेट्रोल पंप मिलेगा? हाँ, ये लास्ट है, इसके बाद सरचू में मिलेगा किलोंग। इसके बाद सीधा किलोंग। किलोंग कितना किलोमीटर है यहाँ से? 350। तो 350 चल पाएगा। सो दिस इज द लास्ट फिलिंग स्टेशन, और यहाँ के बाद सीधा मिलेगा सरचू में, सरचू में नहीं किलोंग में पेट्रोल, जो कि 350 किलोमीटर के आसपास है। तो आई होप इतना तो चल जाएगी अपनी बाइक। हाय, वेयर आर यू फ्रॉम? Italy. And this auto is from? From Leh. Kerala. Kerala. So you are driving from Kerala to Leh? Just from Leh. Leh. Leh to Shimla? Shimla. Okay. So this is your first day? Yeah. All the best, man. Thank you very much. How many people? Four. Two and two? Four, but 32 people, 15 tuk-tuk. Okay. Nice. Very nicely painted. All the best, man. Much. Stay safe. Bye. Bye. तो यार देखो, लोग ऑटो से जा रहे हैं ले से शिमला, एंड काफी कलरफुल बना रखा है। दिस फ्लैग इज ऑल्सो कस्टमाइज्ड। यू हैव मेड इट बाय योरसेल्फ? No, no, no. They paid for us, but we decide to what to send. Okay, so you gave them the idea. Our city skyline. Okay. Nice, all the best, man. Thank you. Bye. Bye. तो ये लोग इटली से हैं, इन्होंने खुद के सिटी का डिज़ाइन कराया ऑटो पे, और ऑटो है केरला की, जो कि लिया है इन्होंने लेह में, और ये अब जाएंगे शिमला पूरा लेह घूम के। अमेजिंग। तो नेक्स्ट पेट्रोल पंप मिलेगा किलोंग में, जो कि है 323 किलोमीटर, मनाली 437, पारा लाचला लिखा नहीं है, सरचू 216 और टाक लांगला 75। तो अभी आगे जाके राइट लेंगे तो चले जाएंगे मनाली वाले रूट, सीधा जाओगे तो पैंगोंग। मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन आगे पहाड़ों पे एक बड़ा सा त्रिशूल बना हुआ है, जो कि मस्त लग रहा है यार।
वहाँ पे देखो, शायद दिख रहा होगा आपको, आगे का रास्ता देखो यार कितना प्यारा है। तो हमें यहाँ पे अभी रोका गया है, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा एंट्री करना है, किधर एंट्री करना है सर? शुभम कुमार झा जा रहे आ रहे हैं हम लोग मनाली, ले से जा रहे हैं मनाली। सो दिस वाज द चेक पोस्ट जहाँ पे आपको अपने बाइक की इंफॉर्मेशन, अपनी इंफॉर्मेशन डालनी होगी। ओके लेट्स कंटिन्यू। ये रास्ता है ले मनाली हाईवे एंड इसको कहते हैं NH3। और सबसे पहला जो गांव आया था वो था उपाक्षी एंड दिस इज मेरू। सो दिस इज द सेकेंड विलेज जो हमें मिला है। यहाँ पे जो घर बनते हैं वो ब्रिक से नहीं बनते, ईंट से नहीं बनते, जो नॉर्मल प्लेन्स में बनते हैं वो उससे नहीं बनते, यहाँ पे बनते हैं पत्थरों से, पत्थरों से और मिट्टी से। आज हम J&K को क्रॉस करके जाएंगे हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश से फिर अपना नॉर्मल सिम वगैरह चालू हो जाएगा एंड J&K का सिम बंद हो जाएगा। अगर मान लो आप पैंगोंग से सीधा मनाली करना चाह रहे हो, सीधा सरचू करना चाह रहे हो एंड जैसा हमने खारू में स्टे लिया था एंड यू डोंट वांट टू स्टे इन खारू, तो आप क्या कर सकते हो, आप आगे आ सकते हो लातो, जो कि वहाँ से 20-25 किलोमीटर और आ गया, शायद ज़्यादा ही। वहाँ पे भी आपको होम स्टे मिल जाएंगे, कैंपिंग मिल जाएंगी, तो आप यहाँ पे भी आके स्टे कर सकते हो। हम चाहते तो कल वहाँ से पेट्रोल डलवा के आगे और आ जाते एंड यहाँ स्टे कर लेते, बट हमें ऐसा पता नहीं था। लेकिन आप अगर आ रहे हो और आप इतने और आपने एज व्लॉग्स की वीडियो देखी है तो यू नो व्हाट टू डू। और लैंडस्केप यहाँ के पूरे नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। अभी आज हम क्रॉस करेंगे तांगलांगला पास और कल हम मोस्ट प्रोबेबली क्रॉस करेंगे बारालाचा ला पास, मतलब बारालाचा ला। एक्चुअली क्या है कि कल का डे थोड़ा टफ होने वाला है क्योंकि बारालाचा की बहुत बुरी खबर हमने सुनी है, बहुत ही बुरा हाल है वहाँ पे, बट कोई नहीं, विल सी। आज का आज देखते हैं, आज जाना अपने को सरचू और अगर हो पाया तो सरचू से आगे भी। सरचू जाने के लिए हमें सबसे पहले क्रॉस करना पड़ेगा तांगलांगला जो कि 40-45 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से, एंड देन विल बी क्रॉसिंग पांग जो कि 101 किलोमीटर है यहाँ से। तो उसके बाद आएगा सरचू, पांग से लेके जो सरचू का रास्ता है वो थोड़ा सा ख़राब है, हमने किया तो नहीं है अभी तक पर हमें ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलेगा थोड़ा सा ख़राब है। और देखो बिहार में भी एक गया है और जम्मू एंड कश्मीर में भी एक गया है, ये जगह है गया। सो तांगलांगला इज 30, पांग इज 95, मनाली इज 394, सरचू 173। यहाँ पे मैं पता है क्यों रुका हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पे व्यूज अच्छे हैं और मेरा गोप्रो हैंग हो गया था, बार बार हो रहा है यार। तो अभी हम फिर से वन ऑफ द हाईएस्ट पासेस ऑफ द वर्ल्ड को क्रॉस करने वाले हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमने क्रॉस किया जोजिला, फिर नमिकला, फिर फातुला, फिर खारदुंगला, फिर चांगला, आज कर रहे हैं टांगलांगला एंड देन विल बी क्रॉसिंग बारालाचला, उसके बाद रोहतांगला। तो भाई साहब बहुत सारे ला 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 कर लिया हमने, यहाँ से मनाली 377 है एंड सरचू 165। तो आज हमारा प्लान था कि हम जाएंगे सरचू, लेकिन अगर कोशिश अच्छी रही तो हम पांग तक भी पहुंच सकते हैं। और हमें जाना है अभी सबसे ऊपर, एकदम सबसे ऊपर, और जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है। बट जैसा कल चांगला में हाल था वैसा हाल नहीं है यहाँ पे। चांगला में स्नोफॉल हो रही थी, रोड बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। यहाँ पे मैं बताऊँ तो 90% रोड है और 10% ऑफ रोड है अभी तक तो, और आगे के व्यूज़ आप देख ही रहे हो, नज़ारे बहुत ही प्यारे प्यारे नज़ारे। अभी बज रहे हैं 1:15, मतलब 12:45। आज मैं ऊपर आसमान नीचे,
आज मैं आगे जमाना है पीछे, मुझे लगा था इसके ऊपर जाना है लेकिन कहीं और ऊपर जाना, उस साइड जाना है। देखो ये सारे बर्फ रोड पे आ गए हैं, इतनी ज्यादा बर्फ है यहाँ पे। सो यहाँ से तांगलांगला है 3 किलोमीटर, यहाँ थोड़ी सी ऑफ रोडिंग है, मैनेजेबल है ये तो। पर ये जो बर्फ है ये पूरे आधे रोड पे आई हुई है, मतलब आधा रोड तो बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ पे थोड़ा संभल के भैया, देखो कितना ऊपर हो गया, कितना ऊपर, मतलब इसके ऊपर पहाड़ नहीं है। देखो ऐसा लग रहा है जैसे कमल खिला हुआ है। सो वी आर अबाउट टू क्रॉस द माइटी तांगलांगला। यहाँ से दूर से आपको दिख रहा होगा दैट इज तांगलांगला पास। बर्फ देखो यार, यहाँ के नजारे तो आसमान के ऊपर आ गए हम तो। So guys, we have finally made it to the mighty Tanglangla Pass. Yes. The altitude is 17,582 feet. Hey. Shaurya Chakra RCC. तो भाई तुम्हारा भाई आ चुका है अब तांगलांगला में। हमने सबसे पहले करा नमिकला, सॉरी सबसे पहले करा जोजिला, फिर नमिकला, फिर फातुला, उसके बाद खारदुंगला, देन चांगला, और अब बारी है तांगलांगला। ये है यू आर पासिंग थ्रू द सेकेंड हाईएस्ट पास ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया की बात ही नहीं हो रही भाई, पूरे विश्व में सबसे सेकेंड पास आता है, सेकेंड हाईएस्ट पास, और तुम्हारा भाई यहाँ पे आ चुका है 17,582 फीट पे। और यहाँ का मौसम देखो यार, हर जगह सिर्फ बर्फ़ दिखाई दे रही है, बर्फ़, बादल, पहाड़ और SJ ब्लॉक्स। अभी मैंने सुना कि RS 200 उतना परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रही, कहीं कहीं पे पावर कम हो रहा है, और क्या? कोई बात, हाँ ये बिल्कुल एग्री करता हूँ, पावर थोड़ी थोड़ी कम है, बट मुझे इतना पता कि ड्यूक 250 से ज्यादा पावर मिल रही है बाइक में। घंटा मेरा घंटा, आपको पता है ना अपनी बाइक, आपको पता है अपनी बाइक कितनी अच्छी, कितनी ऑसम परफॉर्म कर रही है, आपको पता है आग लगी। तो यार देख लो, दो बाइकर जब मिलते हैं तो ऐसे ही मस्ती करते हैं। बाकी यहाँ पे बाइकर्स की बात करूँ तो बहुत सारे लोग आ रहे थे, बहुत सारे लोग दिखे जो मनाली से रास्ते को ले आ रहे थे, पर हमने श्रीनगर के रास्ते से लेकर और अब जा रहे हैं मनाली और फिर जाएंगे दिल्ली। तांगलांगला के बाद अब आएगा देबरिंग, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर है, और अब हम नीचे उतर रहे हैं, तो नीचे तो भाई जल्दी उतर जाएंगे, 20 किलोमीटर चढ़ाई थोड़ी टफ होती है, लेकिन उतरना एज यू नो इट्स इजी, क्वाइट इजी। और अभी जो टाइम है वो हो चुका है 1:30 बज रहे हैं, यानी 1:30। सो होप फॉर द बेस्ट कि आज सरचू से थोड़ा आगे चले जाएँ, ताकि कल मनाली से भी थोड़ा आगे, क्योंकि यार मनाली से दिल्ली वाला जो रूट है तो प्लेन, लेकिन मतलब पूरा प्लेन ऑब्वियसली नहीं है, 500 कुछ किलोमीटर है, एंड इट्स काइंड ऑफ टफ। 12 घंटे गूगल बताता है, तो 15 घंटे लगा के चलो, और लास्ट डे का जो ट्रिप होता है बॉस, वो सबसे बोरिंग होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि अब आपको कुछ देखना वेखना है नहीं, आपको सीधा घर पहुँचना है। एंड मनाली इज 359, सरचू 137 फ्रॉम दिस प्लेस,
बीच बीच में तुम्हारा भाई अंग्रेजी में बात कर लेता है ताकि पता चलते रहे लोगों को कि तुम्हारे भाई को अंग्रेजी भी आती है। अब अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी, कल मतलब पिछला एपिसोड अगर आपने देखा होगा, तो हम थे चांगला पे, एंड चांगला पे भी लिखा हुआ था सेकेंड हाईएस्ट पास, एंड इट वॉज 17,600 समथिंग। और ये जो तांगलांगला है इसमें भी लिखा हुआ है सेकेंड हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट इज 17,582 आई गेस। तो दोनों को ही सेकेंड बना दिया, पहले चांगला पे थर्ड लिखा हुआ था एंड उसको फिर वापस से पेंट करके सेकेंड किया गया। तो आप कमेंट करो इससे पहले, मैंने ही आपको क्लियर कर दिया, भैया जो लिखा रहता है वो बोल देते हैं। और सामने बर्फ देख रहे हो मेरे भाई, मेरे पहाड़, ये लास्ट पहाड़ है, इसके ऊपर कोई पहाड़ नहीं है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि सरचू जाने से पहले हमें पांग क्रॉस करना होगा, तो पांग यहाँ से 35 किलोमीटर है और ये पूरा प्लेन इलाका टाइप का है, मतलब रोड्स काफ़ी प्लेन है, चारों तरफ से माउंटेन्स हैं, काफ़ी प्यारा नज़ारा है। नज़ारे तो भाई साहब पूरे लद्दाख के प्यारे हैं। सो गाइज वी आर ड्राइविंग इन मोरे प्लेन्स, तो ये मोरे प्लेन्स है इसलिए पूरा प्लेन प्लेन है। तो यार मोरे प्लेन्स का हो गया एंड, अब वापस से हम नीचे जा रहे हैं पहाड़ों से नीचे धीरे धीरे करके, एंड यहाँ से नज़ारे कुछ इस तरह से हैं, काफ़ी प्यारे हैं। नीचे आर्मी का बेस कैंप है, यहाँ से पांग रह रहा है 5 किलोमीटर और सरचू 85 के आसपास। तो ये जो आर्मी बेस कैंप आप देख रहे हो ये पांग में है, एंड पांग यहाँ से कुछ आधा किलोमीटर है, मतलब नीचे उतरते ही जो है जगह वो पांग है, उसके बाद सरचू आएगा और सरचू से पहले ही जेएनके का बॉर्डर आएगा, क्योंकि सरचू है अपना, इनको क्या हुआ, क्या हुआ, नीचे नीचे मिलूं, गोप्रो का यही प्रॉब्लम है यार, हैंग बहुत हो रहा है, देखो इनका भी हैंग हो गया। अब हैंग होने से क्या होता है, बाइक रोक के रिदम तोड़ के आप सबसे पहले गोप्रो सही करो, क्योंकि यार कंटेंट तो ऑब्वियसली ज़रूरी है ना, पास हो जाएगा कुछ तो उसके बाद क्या फ़ायदा। तो अभी जैसा मैं बता रहा था कि इसके बाद हमें जेएनके का बॉर्डर मिलेगा, क्योंकि सरचू जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। यार अभी यहाँ पांग में हम एक जगह रुके हुए थे ढाबे पे, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि खाना खाने में तो बहुत लेट लग जाएगा, आलू पराठा बोलने में, अंदर जाने में ही कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे, तो आएगा कब। तो इसीलिए फिर हम प्लान कर रहे हैं कि यहाँ से आगे निकलते हैं, आगे कोई ढाबा होगा वहाँ रुकेंगे या फिर सरचू में रुकेंगे, ठीक चलेगा, बीच में कोई ना कोई मिल ही जाएगा। हाँ चलो मिलते हैं बाइक पे। मैं कहाँ सोच रहा था कि भीड़ बहुत है, अब ढाबा नहीं मिलेगा, इतने सारे ढाबा हैं यहाँ पे। तो एक बार अंकित भाई को आने देते हैं, फिर सेलेक्ट करेंगे कि किस पे जाना है। देखो कितने सारे ढाबा है यहाँ पे, खाना खा रहे हैं, आलू पराठा एंड ऑमलेट। यहाँ से आज का स्टे रहेगा हमारा सरचू का, सरचू से आगे थोड़ा रिस्की है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, एंड बहुत सारे लोगों ने बोला है कि अभी यहाँ से 30-35 किलोमीटर बहुत ही बेकार है, लेट्स सी। तो भैया ऑफ रोडिंग के नाम पे हमें यही मिलने वाला है, मुझे लग रहा है 35 किलोमीटर तक, जिससे लोग डरे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप धीरे चलाओगे तो आप गिरोगे, आप स्पीड में चलाओगे तो आप गिरोगे। तो
तो ऐसे रोड्स पे आपको एकदम बैलेंस करके चलना पड़ता है, और वो बैलेंस करना भी मुझे पूरी तरह से आया नहीं है, इसीलिए मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दे रहा। ये थोड़ा सा डरावना सा है, यहाँ से सर्चू है 74 किलोमीटर, एंड ऐसा आप लगा लो कि 40 किलोमीटर तक रोड ऐसे ही मिलेंगे। और बगल बगल से जो पानी आ रही है, जो नदी बह रही है, काफ़ी प्यारी लग रही है। सर्चू में भी यार कोई नेटवर्क वेटवर्क नहीं होता, कोई सिम काम नहीं करता, वो हो। ऊपर के पहाड़ देखो एक बारी, क्या धांसू लग रहे हैं। पत्थरों पे यार बाइक स्किड बहुत ज़्यादा ही होती है, तो आपको थोड़ा आराम आराम से करना पड़ेगा। ये रोड मुझे लग रहा है बेसिकली बनने वाला है, तो ये रोड जब बन जाएगा तो ये भी पूरा मक्खन हो जाएगा भाई, लेकिन वो मज़ा नहीं रहेगा। अगर लद्दाख पूरा ही प्लेन हो जाए तो वो एडवेंचर का मज़ा नहीं आएगा। शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मेरी बाइक कितनी स्किड हो रही है और कितनी जिगजैग मोशन में चल रही है। सीधी तो चल ही नहीं रही है भाई, बहुत ही जिगजैग मोशन में चल रही है ये। शायद यहाँ से थोड़ा राहत मिलेगा शायद, देखते हैं कितनी देर तक राहत है। बस इतनी देर तक राहत, आज तो बस ये समझ लो कि फुल ऑन ऑफ रोडिंग हो रही है। ये पहाड़ कम, बालू के ढेर ज़्यादा लग रहे हैं। ये देखो अंकित भाई वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आके फिर इधर से चढ़ के ऊपर आएंगे, और ये देखो हमें अभी ऊपर जाना है। ये जो ब्रिज है इसका नाम कांगला ब्रिज है, एंड इस पे ऐसा लिखा हुआ है कि 1 vehicle at a time। इसको देखो फिर से मैन्युफैक्चर किया गया है, साइड में थोड़ी सी टूटी हुई है, ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आवाज आई यहाँ तक? तो भाई साहब आज की कहानी बस कुछ ऐसी ही है कि हम हैं ऑफ रोडिंग है और डेस्टिनेशन है। ऑफ रोडिंग में ना यार सबसे बेकार चीज़ वो होती है जो ट्रक या फिर कार वगैरह आते हैं और धूल मिट्टी उड़ाते हुए आते हैं, और वो पूरा माहौल बिगाड़ देता है। तो जितना हो सके इनसे बच के रहो। देखो यार नीचे कैसे जो नदी है वो बर्फ बन चुकी है, देखो नज़ारे ही नज़ारे, प्यारे ही प्यारे, पूरी नदी बर्फ बन गई है देखो, और थोड़े बहुत पिघल पिघल के आगे जा रही है। ये वही नदी है जो पीछे फ्लो में चल रही थी, आगे देखो यार कितना बर्फ है। सरचू यहाँ से 60 किलोमीटर के आसपास है, मुझे लग रहा 20 किलोमीटर और ऑफ रोडिंग होगी। सो वी हैव अ वाटर क्रॉसिंग ओवर हियर, एंड पानी इधर से आ रही है। शाबाश, देखते हैं पानी कितनी गहरी है।
आरएस 200 को डर लग रहा है, इधर से आ जाओ। शाबाश शाबाश। यहाँ यार बर्फ देखो एक बार, आप कैसे कैसे थी, मतलब नीचे आए पड़े हैं बर्फ, ये देखो। करिश्मा, ओहो भाई साहब, ये कौन सी बाइक है, पल्सर। यहाँ पे पानी कुछ ज्यादा ही है। ओहो, कुछ ज्यादा ही पानी। बर्फ के नज़ारे तो आप देख ही रहोगे, आप नज़ारे देखो। मैं थोड़ा ठंड से लड़ता हूँ, ठंड ज़्यादा है यहाँ पे। अभी भी हम कोई पास क्रॉस करने वाले हैं, जाके देखते हैं कौन सा पास है। एक दिन में दो दो पास पास हो गए हम। एंड दिस इज लाचुंगला पास। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं लाचुंगला पास पे, विच इज 16,616 फीट अबव द समुद्र लेवल। ओहो पानी चला गया जूते के अंदर, पानी चला गया, ठंड लग रही है। अब आगे वाटर क्रॉसिंग नहीं मिलेगी और रोड भी थोड़े सही होने वाले हैं। और अब मुझे लग रहा है कि ड्यूक 250 बहुत अच्छी बाइक है यार, ऑफ रोडिंग के लिए भी। तो भाई अब सीन ये है कि इस वाटर क्रॉसिंग को पार करना है, और इसका मुझे आइडिया नहीं है कितना गहरा है। सो अंकित लांबा फ्रॉम द चैनल ड्रीम चेजर, हाउ आर यू फीलिंग? फट रही है मेरी। क्यों? अच्छा हाँ भाई साहब, हाँ जूते मेरे, हाँ इनके जूते फटे पड़े हैं। जूते पैर पूरा गीला 100% होगा, बिना पैर रखे निकलना बड़ा भारी है। नहीं एक बार आप पहले निकलोगे मुझे पता लगेगा गड्ढा का। गड्ढा नहीं है, अगर नहीं है तो फिर तो निकल जाएगी। गड्ढा नहीं है देखना, सीधा सीधा है, नहीं है गड्ढा। पहले मैं जाता हूँ, ठीक है? ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट मुझे बोलना है। आपको ही बोला। ऑल द बेस्ट टू मी, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तो अभी तक सबसे ज्यादा वाटर क्रॉसिंग मिली है हमें सरचू वाले रास्ते में, और अभी और ज्यादा वाटर क्रॉसिंग मिल रही होगी। उसका रीजन ये है कि अगर आप सुबह सुबह राइड करते हो तो वाटर क्रॉसिंग कम होती है, जैसे जैसे दिन ढलता जाता है, धूप निकलती है, बर्फ पिघलते हैं, तो वाटर क्रॉसिंग बढ़ जाती है। अभी रोड में बहुत पानी है, अभी यहाँ पे खाली है, लेकिन पीछे बहुत ज़्यादा ही पानी था। आगे भी कोई पास है मेरे ख्याल से, लेट्स सी। सो दिस इज नकीला टॉप। So guys, we are at Nakila top, altitude 15,547. स्वागत बहुत अच्छा किया मैंने। ये देखो मैं भी खुद, हेलमेट मेरा देखो।
तो यार फाइनली 11 बजे के चले हुए, 7:30 बजे हम पहुंच गए सरचू। वैसे यहाँ से 1 किलोमीटर और है मेन, पर कैंप स्टार्ट हो गए। बेसिकली द थिंग इज कि हम लोग थोड़ा ड्रोन शॉट्स पर फोटोज़ पर थोड़ा टाइम ले लेते हैं, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो जाता है, वरना ज़्यादा टाइम लगता नहीं। और यहाँ पे देख लो सारे टेंट लगे पड़े हैं, और अंकित भाई कह रहे हैं उधर जाके मारूंगा तुझे, और उधर भी मारूंगा तुझे वहाँ तो दबा के मारूंगा वहाँ तो छोड़ भी सकता हूँ उस साइड लेकिन भैया यहाँ तो भाई दबा के मारूंगा, पकड़ पकड़ के मारूंगा। ये क्या है भाई, ये तो गलत इशारा कर रहे अच्छा वी डिड इट देखो यहाँ पे सारे कैंप टेंट वगैरह लगे पड़े हैं। चलो आगे देख के आते हैं आगे क्या है, मतलब बताएंगे कि आगे क्या क्या है। सबसे पहले आगे है स्टिंगरी, स्टिंगरी है 101, रोहतांग 170, मनाली 222, चंडीगढ़ 472। तो भैया ऐसा है कि हम कल जाएंगे मनाली, जो कि यहाँ से है 222 किलोमीटर। गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज सरचू, और रात में हम यहाँ पे हमने रूम ले लिया था। ये है मेरा बेड, वो है अंकित भाई का बेड। अंकित भाई थोड़े से अब डाउन हो चुके हैं कह रहे हैं कि यहाँ पे जीवन यापन थोड़ा कठिन है, कह रहे नींद नहीं आई और कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कहाँ पे ठहरे थे। ये है हमारा टेंट काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे यार ठहरने के लिए ऐसा ही कुछ हर जगह टेंट आपको मिलता है, 200 रुपये पर बेड। आप देखो ये पूरा टेंट है, और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, स्टिल अब व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे हमने अपनी बाइक लगा दी थी, ये सारे देख लो यहाँ पे टेंट है। आज हम यहाँ से निकलने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कुछ पूछना है तो कमेंट करना। तो मिलते हैं गाइस नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।